हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो DSSSB से रिलेटेड होने वाली है। DSSSB से रिलेटेड आप लोगों को काफी सारे डाउट है कि क्या हमारा पेपर पहले होगा या हमारा फिजिकल पहले होगा, पेपर पहले होगा तो कब होगा, फिजिकल पहले होगा तो वो कब होगा, किस तरह से हम इसकी तैयारी करें और कैसे कैसे अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। स्पेशली अभी जो लोगों के अंदर क्या हुआ है, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जैसे जैसे इन्होंने प्रोसेस देखा है, इतना हरी में सारी चीजें क्लियर हुई है, सारी चीजों के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें कंप्लीट हुई, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया, या काफी सारे लोग ऐसे थे जिनका सपना था दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करना बट वो नहीं हो पाया। तो अभी आप लोग जो DSSSB है इसको अपनी ड्रीम पोस्ट की तरह से देख रहे हो और इसके लिए तैयारी करना चाहते हो, तो जो भी डाउट है ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में रहेंगे और जब तक डाउट्स होंगे तब तक आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। सबसे पहले जो इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मोनिका पुनिया है और मैं SSC CPO 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुई थी विद ऑल इंडिया रैंक 3 इन फीमेल कैटेगरी। अभी फिलहाल मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ और जो अपनी गाइडेंस से रिलेटेड या मेंटरशिप से रिलेटेड YouTube चैनल भी रन करती हूँ, Instagram भी है मेरा और Telegram चैनल भी है। स्पेशली जो एजुकेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो Telegram चैनल और जो मेरा YouTube चैनल है उन दोनों के ऊपर मैं बहुत सारा कंटेंट ऐसा डालती हूँ जिसकी वजह से कोई उनको देख के कोई एक ऐसा बच्चा जिसको प्रिपरेशन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है और बहुत सारे लोगों ने की भी है। दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत सारे ऐसे सिलेक्शंस हैं जो अपने चैनल के थ्रू जिन्होंने अपना स्टडी प्लान लिया था या जिन्होंने अपना टेलीग्राम चैनल से फ्री स्टडी प्लान फॉलो किया था और अपना सिलेक्शन ले लिया है आज और उनके घर में एक नौकरी है। तो होपफुली आप लोगों के घर में भी बहुत जल्दी नौकरी आए और आप लोगों की भी सारी चीजें बहुत अच्छे से हों। तो अभी आपका जो सबसे बड़ा डाउट है कि हमारा फिजिकल पहले होगा या मेडिकल एग्जाम पहले होगा। देखो आप लोगों का एक रिटन एग्जाम होना है और एक फिजिकल एग्जाम होना है। जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स थे उसके अकॉर्डिंगली जब मैंने सबसे पहली बार वीडियो बनाई थी DSSSB की उस टाइम ही आपको बता दिया था कि आपके फिजिकल होने के चांसेस पहले ज्यादा हैं क्योंकि पहले के जो भी आपके एग्जाम के पैटर्न्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो फिजिकल एग्जाम है वो पहले करवाया गया है। अभी भी जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड की जो तैयारियां चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली भी यही सिचुएशन बन रही है कि आपके फिजिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पहले वो देख रहे हैं। अभी उनकी तरफ से एक ग्राउंड से रिलेटेड कोई नोटिस आया था दिल्ली सरकार को कि ग्राउंड वो वेरीफाई करा रहे हैं, जो जो भी ग्राउंड अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं उनके अंदर क्या सिचुएशन है, कहाँ पे वो अपनी जो भर्ती है उसको करवा सकते हैं और वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई थी और वो ग्राउंड से रिलेटेड डाटा ले रहे हैं। अगर वो ग्राउंड से रिलेटेड डाटा ले रहे हैं इट मीन्स कि आपका जो फिजिकल एग्जाम है वो पहले होने के चांसेस हैं। वो पहले होने के चांसेस 95% है। स्टिल अगर आपका पेपर पहले हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि आपका फिजिकल होने के बहुत कम टाइम के अंदर आपका जो एग्जाम है वो करवा लिया जाता है, तो उसके लिए जो बेस्ट सिचुएशन होगी वो ये होगी, अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं क्या कर रही होती सिचुएशन में, मैं ऐसे कर रही होती कि मैं आपका एक टाइम मैं अपनी रनिंग को कर दे रही होती कि मैं अपना रनिंग कर रही हूँ प्रॉपरली, अच्छे से वर्कआउट वगैरह कर रही हूँ कि मेरा फिजिकल क्लियर हो जाए, उसके साथ साथ मैं अपनी जो रिटन एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन से ध्यान आया कि आप लोगों को रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप लोगों को करते हुए चलना है और उसके लिए भी क्योंकि 1.5 लाख लोगों के फॉर्म अभी भी भरे गए हैं DSSSB के अंडर में और एक अच्छा खासा कंपटीशन है, लिमिटेड सी पोस्ट है, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को जो अपनी तैयारी है वो करनी होगी। मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोग लगाते रहिए। मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। टेस्ट बुक के ऊपर सारे प्रीवियस ईयर मॉक, नए मॉक, पुराने मॉक, हर तरह के मॉक आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सेक्शनल मॉक भी हैं, आपकी क्विजेस भी हैं, बहुत कुछ है, तो वहां से आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर टेस्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो फिलहाल इनकी सेल चल रही है जनवरी के लास्ट में, हर मंथ के लास्ट में वैसे इनकी सेल आती ही है, तो अभी इन लोगों की सेल चल रही है और उस सेल के अंदर अगर आप डी
SSC DSSC स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर दूंगी। अगर ये कूपन कोड लगाओगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो जिन भी लोगों के पास अभी तक अपना टेस्ट बुक का पास नहीं है, उनसे मैं यही बोलूंगी कि अपना टेस्ट बुक का पास ले लो, क्योंकि उसके ऊपर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, कि DSSSB के लिए नहीं, आप जितने भी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उन सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के आपको वहां पे टेस्ट पासिस मिल जाते हैं। तो अभी आप लोगों को कैसे इन चीजों को डील करना चाहिए कि आपका फिजिकल भी है और आपका जो है एग्जाम भी है, क्लैरिटी कुछ भी हो नहीं रही है, बट चांसेस जो है वो फिजिकल के ही पहले हैं। तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा कि अपना एक स्टडी प्लान बनाओ। स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए कि जिसमें एक टाइम का आपका वर्कआउट हो, कि एक टाइम आप प्रॉपरली अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, कि अपना प्रॉपर रनिंग कर रहे हैं आप, उसके साथ में जो जो भी आपके इवेंट्स होने वाले हैं उनकी आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अगर आप शाम को बनाते हो तो शाम को रेस्ट ले लीजिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी पढ़ाई कीजिए और शाम को वर्कआउट करके खा पी के आराम से सो जाइए। अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, सुबह जाके वर्कआउट करके आए, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर शाम को पढ़ने बैठ गए और रात को 10-11 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली। जो पढ़ने का स्केड्यूल है आपका, कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, उससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में छोड़ रही हूँ, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो उसके थ्रू आप अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। अगर इससे अलग भी कोई आपका डाउट रह गया है DSSSB से रिलेटेड या किसी भी और एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक वीडियो दूं और आप लोगों को क्लियरिटी दूं। अगर आप SSC CPO की तैयारी करना चाहते हो तो कल ही मैंने एक वीडियो डाली है, उसके अंदर मैंने कम्प्लीट आपको समझाया है कि ये गिवन टाइम जो अभी आप लोगों के पास में थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हो, तो आप उस वीडियो की रेफरेंस ले सकते हो। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो भी एक बार अपना चैनल गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। जिस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो नहीं होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।